गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हॉस्पिटल टेबल का। आज मैं फिर एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं जिसमें टेबल का नाम है ग्रेजुएट टेबल, और ये कुछ क्वेश्चंस हैं, सिंगल टेबल क्वेश्चन है। वेरी सून आई विल डिस्कस द डीबीएमएस क्वेश्चन रिलेटेड टू टू टेबल्स। जो टू टेबल्स बेस्ड क्वेश्चन होता है उनको भी मैं आपके साथ जल्दी डिस्कस करूंगा। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं टेबल, सिंगल टेबल क्वेश्चन जिसका नाम है ग्रेजुएट टेबल है, और इस टेबल में एसएल नंबर, नेम, स्टिपेंड, सब्जेक्ट, एवरेज और रैंक, ये एट्रीब्यूट्स है, और इस टेबल के अंदर 10 रोज है। तो अगर क्वेश्चन आता है फाइंड द डिग्री एंड कार्डिनलिटी ऑफ द टेबल ग्रेजुएट, तो कार्डिनलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ टपल्स ऑब्लिक रोज ऑब्लिक रिकॉर्ड्स। तो नंबर ऑफ टपल्स कितने हैं? 10 है, तो यही इस टेबल की कार्डिनलिटी है। और अगर आता है नंबर ऑफ डिग्रीज, तो नंबर ऑफ डिग्री इज इक्वल टू नंबर ऑफ एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट मींस कॉलम्स, तो कॉलम्स कितने हैं इस टेबल के अंदर? 6 है, तो इस टेबल की जो डिग्री है वो 6 है। तो ये क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लिया जाता है कि फाइंड द डिग्री एंड कार्डिनलिटी ऑफ द गिवन टेबल। आपको एक टेबल देगा और पूछेगा आपसे कि इस टेबल की कार्डिनलिटी कितनी है, तो कार्डिनलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ टपल्स और रोज, एंड डिग्री कितनी है? डिग्री इज इक्वल टू नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल MySQL, दिस इज MySQL। नाउ पासवर्ड, रूट, डाटाबेस हमारा क्या था? बोर्ड एग्जाम 12। दिस इज माय डाटाबेस। नाउ आई वांट टू चेक द टेबल्स व्हिच आई हैव क्रिएटेड इन दिस डाटाबेस। तो टेबल्स हमारे पास फर्नीचर, ग्रेजुएट, हॉस्पिटल, लोन्स, ऑर्डर्स और स्कूल बस। मैं आपके सामने लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था हॉस्पिटल टेबल, आज मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ ग्रेजुएट टेबल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ द टेबल हॉस्पिटल, सॉरी ग्रेजुएट। तो सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, टेबल का नाम है आपका ग्रेजुएट, तो सिलेक्ट ग्रेजुएट, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ग्रेजुएट। तो आप देख सकते हैं अगर क्वेश्चन आपका आता है टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ द टेबल ग्रेजुएट व्हाट क्वेरी वी विल राइट, तो टू डिस्प्ले ऑल द डिटेल्स ऑफ द टेबल ग्रेजुएट वी विल राइट द क्वेरी सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ग्रेजुएट। एस्ट्रिक मीन्स होता है ऑल एट्रीब्यूट्स, जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि एस्ट्रिक मीन्स ऑल कॉलम्स, इज दैट क्लियर? तो सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ग्रेजुएट, दिस कमांड, दिस स्टेटमेंट, दिस क्वेरी विल डिस्प्ले ऑल द टेबल डेटा। बट आपको वहां पर क्वेरी फाइंड आउट करनी है, आपको क्वेरी लिखनी है। तो आपके सामने अगर क्वेश्चन आता है टू डिस्प्ले ऑल द डिटेल्स ऑफ द टेबल ग्रेजुएट, तो यू विल राइट द क्वेरी सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ग्रेजुएट। ओके, तो चलिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने? पहला क्वेश्चन है लिस्ट द नेम ऑफ दोज स्टूडेंट who have obtained rank 1 sorted by name, that means हमें उन students की details display करनी है जिनकी rank 1 है, और जो details display होनी चाहिए वो name के ascending order में होनी है। तो हम क्या query लिखेंगे? हमें सिर्फ name चाहिए, तो select name from, table का नाम हमारा आएगा graduate, ये हमारा table का नाम है, where rank is equal to 1। तो आप देख सकते हैं करण, राज, दिव्या, गौरव, वरुण, लीजा, पूजा, ये हमारे पास वो स्टूडेंट है जिनकी रैंक 1 है, लेकिन इन्होंने कहा है कि असेंडिंग ऑर्डर ऑफ नेम, मतलब नेम के असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करना है। तो यहां पर आप लिखेंगे ऑर्डर बाय क्लोज, ऑर्डर बाय नेम। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो डिटेल्स आई है वो नेम के असेंडिंग ऑर्डर में है। तो ध्यान रखिए, यू जस्ट बी अटेंशन कि अगर आपसे पूछा जाता है कि आपको नेम के असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करना है तो या डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करना है, तो आप वहां पर यूज करेंगे ऑर्डर बाय क्लोज। और ऑर्डर बाय किसके असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करना है, तो नेम के असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करना है, तो ऑर्डर बाय क्लोज के बाद आप उस एट्रीब्यूट को स्पेसिफाई करेंगे जिसके ऑर्डर में आपको डिस्प्ले करना है। तो नेम के ऑर्डर में डिस्प्ले करना है, तो ऑर्डर बाय क्लोज के बाद मैंने नेम एट्रीब्यूट को स्पेसिफाई किया है। तो अब आप देखिए मेरे पास जो ये रिकॉर्ड आया है ये असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले हुआ है, लेकिन आपको वहां पर क्वेरी परफॉर्म करनी है। ये आप जो मेरा आउटपुट आया है, इस आउटपुट को आप चेक कर सकते हैं अपनी टेबल में कि क्या ये आउटपुट एग्जिस्ट करता है।
बस आपको वहां पर क्वेरी परफॉर्म करनी है। तो आप क्वेरी क्या लिखेंगे, सेलेक्ट नेम फ्रॉम ग्रेजुएट वेयर रैंक इज इक्वल टू 1। तो यहां से तो सिर्फ उन स्टूडेंट्स का नाम आएगा जिनकी रैंक 1 है, लेकिन हमें असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए नेम के, तो ऑर्डर बाय नेम उस एट्रीब्यूट का नाम भी स्पेसिफाई करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है डिस्प्ले ए लिस्ट ऑफ ऑल दोज नेम्स। हमें नेम की लिस्ट डिस्प्ले करनी है जिनका एवरेज जो है 65 से ग्रेटर देन है। तो क्या कहा उसने कि डिस्प्ले ए लिस्ट ऑफ ऑल दोज नेम्स हुज एवरेज इज ग्रेटर देन 65। तो हम क्या क्वेरी लिखेंगे, सेलेक्ट नेम फ्रॉम ग्रेजुएट वेयर एवरेज AVER AGE एवरेज इज ग्रेटर देन 65। तो आप देख सकते हैं ये सिर्फ उनकी लिस्ट आई है, उनके नेम की लिस्ट आई है जिनका एवरेज जो है वो 65 से ग्रेटर देन है। एवरेज हमारा टेबल ग्रेजुएट में एवरेज एक एट्रीब्यूट है, उसके अंदर एवरेज वाली वैल्यूज इंटीजर में स्पेसिफाई है। तो हमें सिर्फ उनकी लिस्ट डिस्प्ले करनी है, हमें उनका उन नेम्स की लिस्ट डिस्प्ले करनी है जिनका एवरेज 65 से ग्रेटर देन है। तो हम आउटपुट, हम क्वेरी क्या परफॉर्म करेंगे, सेलेक्ट नेम फ्रॉम ग्रेजुएट वेयर एवरेज इज ग्रेटर देन 65। चलिए थर्ड क्वेरी है, थर्ड क्वेश्चन, डिस्प्ले द नेम्स ऑफ दोज स्टूडेंट। द क्वेरी इज डिस्प्ले द नेम्स ऑफ दोज स्टूडेंट हु हैव ऑप्टेड कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट विद एन एवरेज ऑफ मोर देन 60। हमें उन स्टूडेंट्स के नेम की लिस्ट डिस्प्ले करनी है जिन्होंने कंप्यूटर सब्जेक्ट ऑप्ट किया है एज ए, और उनका एवरेज क्या होना चाहिए, 60 से ज्यादा होना चाहिए। तो अगेन यहां पर हम क्या क्वेरी परफॉर्म करेंगे, सेलेक्ट नेम फ्रॉम टेबल का नाम ग्रेजुएट, टेबल का नाम आपका आएगा ग्रेजुएट, सेलेक्ट नेम फ्रॉम ग्रेजुएट वेयर सब्जेक्ट क्या है यहां पर, कंप्यूटर। तो यहां पर एक बार मैं एट्रीब्यूट का नाम देख लेता हूं क्या पर है, एट्रीब्यूट सब्जेक्ट ही है। तो वेयर सब्जेक्ट इज इक्वल टू आपका कंप्यूटर, वेयर सब्जेक्ट इज इक्वल टू कंप्यूटर एंड एवरेज इज ग्रेटर देन 60। हमें दो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए, क्या, पहला सब्जेक्ट कंप्यूटर होना चाहिए और उसमें भी एवरेज जो है 60 से ग्रेटर देन होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं सिर्फ लीजा है जिसका सब्जेक्ट कंप्यूटर है और उसका एवरेज ग्रेटर देन 60 है। आप इस क्वेरी का रिजल्ट आप अपनी टेबल में भी चेक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं लीजा है जिसका एवरेज 68 है, दैट मींस ग्रेटर देन है 60। कंप्यूटर सब्जेक्ट तो काफी ने ले रखा होगा, लेकिन इसमें से सिर्फ लीजा है जिसका सब्जेक्ट कंप्यूटर है और जिसका एवरेज 68 ग्रेटर देन है 60 से। चलिए अगला क्वेश्चन, लिस्ट द नेम्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर। मतलब हमें सभी स्टूडेंट का नाम डिस्प्ले करना है लेकिन अल्फाबेटिक ऑर्डर में डिस्प्ले करना है। तो ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सेलेक्ट बहुत इजी भी है, सेलेक्ट नेम फ्रॉम टेबल का नाम ग्रेजुएट ऑर्डर बाय, यहां पर हम यूज करेंगे ऑर्डर बाय, क्योंकि उन्होंने कहा है असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो ऑर्डर बाय। अब आप देख सकते हैं सारे नेम डिस्प्ले हुए हैं और किस उसमें डिस्प्ले हुए हैं, और नेम के ऑर्डर में डिस्प्ले हुए हैं। लेकिन अगर आप उनको वैसे ही डिस्प्ले करना चाहता है जिस ऑर्डर में आपने टेबल को क्रिएट किया था और रिकॉर्ड आपका आपने एंटर किया था, तो अब आप क्या क्वेरी लिखेंगे, सेलेक्ट नेम फ्रॉम ग्रेजुएट। तो ये जो नेम आए हैं ये किस ऑर्डर में आए हैं, ये उस ऑर्डर में आए हैं जिस ऑर्डर में आपने टेबल में डाटा इंसर्ट किया था उस ऑर्डर में है। लेकिन आपको डिस्प्ले किस ऑर्डर में कराने हैं, आपको नेम के असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले कराने हैं। तो जब आप नेम के असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले कराएंगे तो आप क्या यूज करेंगे, ऑर्डर बाय क्लोज यूज करेंगे। लेकिन ध्यान रखना कि जब आप नेम के असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले कराएंगे यहां पर डाटा, तो एक्चुअल जो फिजिकल डाटा है जो टेबल के अंदर राइट हो रखा है डाटा, वो वैसे ही ऑर्डर में रहेगा जिस ऑर्डर में आपने टेबल को टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट किया था, उससे इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, आप उसे डिस्प्ले कराना चाहते हैं नेम के असेंडिंग ऑर्डर में, तो आप उसके लिए ऑर्डर बाय क्लोज यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, अब अगला है क्वेरी का क्वेश्चन है, क्वेरी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको आउटपुट फाइंड आउट करना है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ग्रेजुएट वेयर नेम लाइक परसेंट आई, दैट मींस हमें डिस्प्ले करना है, हमें ग्रेजुएट टेबल का रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है जिनका नेम में आई कहीं पर भी हो। क्या कहा कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ग्रेजुएट वेयर नेम लाइक आई, दैट मीन्स आई जो है वो कहीं पर भी हो सकता है। तो हम क्या क्वेरी परफॉर्म करेंगे, सेलेक्ट, ये क्वेरी तो इन्होंने लिख रखी है, बस हमें आउटपुट जनरेट करना है। सेलेक्ट ग्रेजुएट
वेयर, नेम, लाइक और आई कहीं पर भी हो सकता है। तो यहां पर पहले परसेंट, फिर आई, फिर परसेंट और फिर एस्ट्रिक। ओके, एक मिनट, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ग्रेजुएट वेयर, वेयर आएगा। तो अब आप देख सकते हैं सिर्फ दिव्या है, लीजा है और निशा है। आप देख सकते हैं दिव्या, लीजा और निशा, ये तीन ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जिनके नेम में आई कहीं पर भी हो। तो पहली क्वेरी है हमें उनका डिटेल्स डिस्प्ले करना है जिनके नेम में आई कहीं पर भी हो। तो इस केस में क्वेरी आपके सामने गिवन है, बस आपको आउटपुट लिखना है। तो आउटपुट इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। ध्यान रखिए टेबल में दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे, पहले टाइप के क्वेश्चन जिसमें आपके क्वेश्चन गिवन होंगे आपको क्वेरी परफॉर्म करनी है, दूसरे टाइप के क्वेश्चन क्वेरी गिवन है आपको आउटपुट परफॉर्म करने है। तो ये क्वेरी आपके सामने गिवन है, आपको इस फॉर्मेट में आउटपुट आपको लिखना है, ये बात आप ध्यान रखिए। तो पहला क्वेश्चन क्या था, ये जो आउटपुट का पहला क्वेश्चन है इसमें क्या है कि सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ग्रेजुएट वेयर नेम लाइक आई। तो इसका मतलब है हमें उनका रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है ग्रेजुएट टेबल में जिनके नेम में आई कहीं पर भी आ रहा है। वो दूसरी पोजीशन पे भी हो सकता है, जैसे दिव्या में आई दूसरी पोजीशन पर है, लीजा में आई दूसरी पोजीशन पर है, निशा में आई दूसरी पोजीशन पर है। और अगर ऐसे रिकॉर्ड होते जिनमें आई फोर्थ पोजीशन पर होता तो वो भी आता, जिनके नाम में आई आठवीं पोजीशन पर होता तो वो भी आता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट रैंक फ्रॉम ग्रेजुएट। अब डिस्टिंक्ट रैंक पूछ रहा है वो, तो सेलेक्ट डिस्टिंक्ट रैंक फ्रॉम ग्रेजुएट, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट रैंक फ्रॉम ग्रेजुएट। तो जो डिस्टिंक्ट रैंक है वो सिर्फ वन और टू ही है, जो आपका आप खुद देखिए, आप अपने टेबल में जाइए एक बार, टेबल में देखिए, टेबल में जो है रैंक वाला एट्रीब्यूट देखिए, इसमें जो रैंक है सिर्फ वन और टू ही है, वो बात अलग है लेकिन उनकी क्या हो रही है बार बार, दैट मीन्स हर रिकॉर्ड के लिए वो यही दो वैल्यू वन और टू डिस्प्ले हो रही है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो डिस्टिंक्ट क्लोज होगा वो डाटा रिडंडेंसी को रिमूव करता है। डिस्टिंक्ट क्लोज हमने किस पर अप्लाई किया है, रैंक वाले एट्रीब्यूट पर अप्लाई किया है। तो जब हम डिस्टिंक्ट क्लोज को रैंक वाले एट्रीब्यूट पर अप्लाई करेंगे तो ये क्या करेगा, डाटा रिडंडेंसी को, दैट मींस डुप्लीकेट डाटा को ये डिस्प्ले नहीं करेगा। तो जैसे वन है, अब वन ये कितनी बार आ रहा है टेबल में, आई थिंक 7 to 8 times ये वन आ रहा है, तो ये सिर्फ वन को एक ही बार डिस्प्ले करेगा क्योंकि ये डाटा रिडंडेंसी को डिस्टिंक्ट क्लोज रिमूव करता है। ऐसे ही टू है, वो दो बार आ रहा है, ये उसको सिर्फ एक बार डिस्प्ले करेगा। लास्ट लेक्चर में भी मैंने डिस्टिंक्ट क्लोज को आपको अच्छे से बताया था, दोबारा ध्यान दीजिए कि डिस्टिंक्ट क्लोज इज ऑलवेज अप्लाई ऑन एन एट्रीब्यूट एंड व्हेन डिस्टिंक्ट क्लोज इज अप्लाई ऑन द एट्रीब्यूट, व्हेन डिस्टिंक्ट क्लोज इज अप्लाई ऑन द एट्रीब्यूट इट डिस्प्ले द डिस्टिंक्ट वैल्यू एंड इट जस्ट रिमूव द डाटा रिडंडेंसी और इट जस्ट रिमूव द डुप्लीकेट डेटा। ओके, तो डियर स्टूडेंट इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस आपके डिस्कस हो गए हैं। अब आप देखिए कोई क्वेश्चन आपका रह तो नहीं गया, नो, ये सारे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस हो गए हैं। तो आज इस लेक्चर में मैंने आपके साथ जो डिस्कस किया है, एक टेबल ग्रेजुएट है, टेबल इस ग्रेजुएट टेबल में हमारे पास डेटा है और फोर क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें हमको क्वेरी परफॉर्म करनी है और दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें क्वेरी गिवन है, हमें आउटपुट लिखना है। ओके, तो ये क्वेश्चन आपके सामने अच्छे से आ गया है, आप एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा। डेफिनेटली इन बोर्ड एग्जाम जो मेरे ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो मैं आपको करा रहा हूँ, ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स अगले लेक्चर में मैं फिर मिलूंगा आपके साथ एक नए प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।